शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा का भगवानकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तो तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जनता के सभी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जनता के सभी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अरे क्वालिटी एंड साइंटिफिक एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये मांग लेकर पूरे देश में आज जत्थे के माध्यम से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगरतला से लेकर अहमदाबाद तक, पूरे देश के अंदर जो छात्र हैं उन छात्रों को लामबंद करने के लिए, संगठित करने के लिए जो नीतियां है सरकार की, वो नीतियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए, जो शिक्षा का निजीकरण चल रहा है, जो शिक्षा का कमलेशन चल रहा है, उसके खिलाफ ये संगठित ताकत एकजुट करने के लिए जत्था निकला हुआ है। आज ये जत्था मध्य प्रदेश से गुजरात होकर महाराष्ट्र में यहाँ हम लोग आए हैं। जो महाराष्ट्र की नीतियाँ सरकार विद्यार्थी विरुद्ध, स्टूडेंट विरुद्ध ले रही है, उसके खिलाफ महाराष्ट्र की स्टूडेंट्स एकजुट है। पिछला ही आंदोलन जो ट्राइबल स्टूडेंट के हॉस्टल बंद करने का, उनका मेस बंद करके डीबीटी लागू करने का हुआ था, उसके खिलाफ लाखों की तादाद में यहाँ के महाराष्ट्र के स्टूडेंट ने अपोज किया, वो लड़ाई उन्होंने जीती है। इसी प्रकार जो देश के अंदर जो अलग अलग नीतियाँ चल रहे, उस नीतियों के खिलाफ ये स्टूडेंट लड़ने के लिए तैयार है। सरकार को हम कहना चाहते कि जो शिक्षा विरुद्ध नीतियाँ है वो नीतियाँ वापस लो, सबको शिक्षा और सबको रोजगार मिलने की जो शाश्वती है वो सरकार देनी चाहिए, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, उसी हिसाब से सरकार चलना चाहिए। अन्यथा ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो जनता है, सरकार को अपना सबक सिखाएगी। इसी के साथ ये जत्था जो है आगे चलता हुआ मुंबई से निकलेगा। गुजारिश है पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की, ये जत्थे का शिक्षा पे जो खर्चा होगा। शिव वर्मा और भगत सिंह की एक चर्चा है, वो आपस में बात किया कर रहे थे। शिव वर्मा भगत सिंह से पूछते थे कि भगत सिंह आपको क्या लगता है कि कौन लोग क्रांति लाएंगे, तो भगत सिंह बोलता था कि ऐसे समय के अंदर जब ये लगे कि कुछ हो नहीं रहा, परिस्थितियां बहुत विपरीत हो, उन परिस्थितियों के अंदर भी जो न डरे हुए, न डिगे हुए, न बिना किसी खौफ के कंसिस्टेंट जो काम करते रहे, जब लगता है कि कुछ बदलने वाला नहीं है, वो लोग ही मेरे सपनों का भारत बनाएंगे, वो ही मुझे क्रांति लेकर आएंगे, और मैं वो सपनों का भारत आप लोग के जरिए देख रहा हूँ। SFI ने तय किया कि पूरे भारत के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा जमहूरियत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के अंदर आज जो सबसे बड़ा गुनाह हो गया है, उस गुनाह को हम पूरे भारत के अंदर करेंगे। और वो गुनाह क्या है? वो गुनाह है भारत की सरकार से प्रश्न पूछने का। वो गुनाह है जो 2014 के अंदर एक हमारे चौकीदार बन के आए थे, हमें क्या पता था कि उस चौकीदार का डंडा जो मेरी रक्षा करने के लिए था, जब मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा तो वो डंडा मेरे ऊपर ही पड़ेगा। उनको पसंद नहीं है, और जिस विचार से वो आते हैं उन विचार को पसंद नहीं है कि कोई उनसे खड़ा होकर प्रश्न पूछे, क्योंकि शाखा के अंदर तो प्रश्न पूछने की आज्ञा होती नहीं, वहां तो चर्चा परिचर्चा होती नहीं, एक तरफा मामला होता है। तो वो गुनाह हम पूरे भारत के अंदर कर रहे हैं। हम पूरे भारत के अंदर जब पूछ रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने बोला था कि सरकारी शिक्षा सबके लिए होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, वो हमारी क्वालिटी एजुकेशन कहां है? मेरे अध्यापक ने मुझे बताया था 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर कि शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार की जिम्मेवारी है तो सरकार आज नहीं दे रही है, या मेरा अध्यापक गलत था, या वो पुस्तक गलत थी, या आज की सरकार गलत है, यह प्रश्न पूछने हम जा रहे हैं। हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि मेरे हॉस्टल के अंदर खाना खिलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, वो मुझे आप विपुल करने के लिए आप बोल रहे हैं कि आप कैश दे दीजिए, हम मैस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। पर वो जो आपके यहाँ पे स्पाइस वाले की बिल्डिंग का एक गरीब मालिक है, उस गरीब मालिक ने एक प्रस्ताव पेश किया जो सिर्फ कल्पना के अंदर है, वो अंबानी साहब कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी में खोलूंगा जो बहुत अच्छी होगी। एक सपना दिखाया, बाबा साहेब का दिखाया हुआ सपना मेरी सरकार को समझ नहीं आया, जो बाबा साहेब ने अपने संविधान के जरिए सपना दिखाया था कि आप सबको शिक्षा देंगे तो देश का विकास होगा, वो नागपुर के अंदर बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन अंबानी साहब ने पत्नी उस
100 पेज के अंदर क्या लिख दिया कि 1,000 करोड़ रुपया एक ऐसे संस्थान को दे दिया जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता हम है या अंबानी साहब है। अब प्रश्न पूछने आ रहे हैं पूरे भारत के अंदर कि लोकतंत्र के अंदर आपको चुनकर भेजा था हमारी सेवा करने के लिए, हमें ये बताने के लिए नहीं कि जो मेरा निजी अधिकार है, जो मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, मंदिर में जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा, आपका गुरुद्वारे में जाऊंगा, गिरजा में जाऊंगा, वो मेरा हक है। मैं किससे शादी करूंगा, कैसे पूजा करूंगा, जो मेरा हक है। आपको मैंने काम दिया था, रोड बनाइए, पाठशाला बनाइए, महाविद्यालय बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, मुझे नौकरी दीजिए, वो तो 4 साल के अंदर आप कर नहीं रहे, लेकिन जो मेरा हक था उसको डिक्टेट कर रहे हैं। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत के अंदर संविधान से आप चलते हैं या नागपुर के अंदर जो सजाकर मनुस्मृति रखी है उससे आप चलते हैं, ये प्रश्न पूछने आए हैं। हम प्रश्न पूछने आए हैं कि आपके बीड के अंदर जो छात्र पढ़ता है, जो बीड के अंदर एक छात्र रहता है, क्या उसका संविधान अलग है, उसकी सिटीजनशिप अलग है, या मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर कॉन्वेंट स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है उसकी सिटीजनशिप अलग है या उसकी उसका संविधान अलग है। जो बाबा साहेब तो हमें बोलते गए थे कि हमने तो सबको बराबरी का हक दिया है, लेकिन इसी देश के अंदर एक ही संविधान के अंदर ये दो दो देश क्यों है, हम ये प्रश्न पूछने आए हैं, पूछने जा रहे हैं पूरे भारत के अंदर आप लोगों से ताकत देते हैं। और यही मकसद है इस जत्थे का, विश्वास दिलाता हूँ ये जो ताकत बड़ी ईमानदारी की ताकत आप लोगों की हमें मिली है, इसको लेकर और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ पूरी भारत के अंदर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारी शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा जो भीख नहीं है, वो हक है, किसी ने नहीं दिया, वो मेरा संविधान हमें देता है। पूरी हिम्मत के साथ, स्वाभिमान के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इस संस्थान से हम मिलेंगे। चाचे खजीकरण हनुन पाड़ा, चाचे धर्मांधिकरण हनुन पाड़ा, चाचे केंद्रीकरण हनुन पाड़ा, चाचे खजीकरण हनुन पाड़ा, सर्वांना शिक्षण सर्वांना काम मिळत पाहिजे, सफाई जिंदाबाद। चैनल देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बाद घंटी को दबाइए और ये वीडियो